हेलो एवरीवन, दिस इज़ एकेन 22। आप सभी का स्वागत है ग्राउंडेड में। एंड हमने लास्ट एपिसोड में हमारा आर्मर सेट सब कुछ बना लिया था, टूल्स बना लिए थे, पर अभी इतने अच्छे नहीं हैं, हमें और अपग्रेड करना है। मैं आया हूँ वापस इस लैब में और यहाँ पर हम इस मशीन से मुझे रेसिपी लेनी है। रॉ साइंस मेरे पास 3230 हो गया है और हम लेंगे पेबल फाउंडेशन की, क्योंकि हमको हमारा परमानेंट बेस जहाँ से हमको शुरू करना है उसके लिए मुझे ये पेबल फाउंडेशन लग चाहिएगा। ठीक है, ख़रीद लो इसे। नाइस, अब मेरे पास सिर्फ 730 बचे, तो इसमें पेबल फाउंडेशन बन जाएगा, रैम बन जाएगा और पेबल पाथ प्लस कर्व्ड पेबल पाथ। ठीक है, और एक क्वेस्ट ले रहा हूँ, क्वेस्ट ख़त्म कर लिया मैंने, तो क्वेस्ट ख़त्म करने से ही आपको मिलते हैं सारे रॉ पॉइंट्स। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपको सीधे मेरी बेस पर फटाफट से। ऑल राइडी, गुड मॉर्निंग, हम आ गए हमारी बेस पर वापस। हमने फाउंडेशन का ब्लूप्रिंट निकाल लिया है और पेबल फाउंडेशन हमको लगानी है हमारी बेस पे, ताकि हम पहले से ही हमारी बेस को थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनाएं चींटियों से। ठीक है, तो इसके लिए पेबल्स चाहिए रहते हैं और क्ले चाहिए रहता है। क्ले हमारे पास नहीं है, और क्ले कहाँ से मिलता है? क्ले आपको मिलता है अंडर वाटर पॉन्ड में से। देखो, अंडर वाटर जाओ पॉन्ड में और ये दिख रहा है आपको, दिस इज़ द क्ले। इसके ऊपर आपके पास शवल होना चाहिए और ये ध्यान रखना कि आपकी ऑक्सीजन लेवल जाए ना, 30 सेकेंड्स का कूल डाउन रहता है। ये आ गया हमारे पास क्ले, नॉइस। सो ये जनरेट होता रहता है थोड़ी थोड़े, हर एक दिन में जनरेट होता है। ठीक है, और एकॉन का शवल बना लो बेस्ट, और ये इसलिए मैंने अपने घर के पास बनाया ताकि हम क्ले भी ले सकें और फाउंडेशन भी, फाउंडेशन के लिए हमें क्ले भी मिल जाए। नाइस, और पॉन्ड के पास बनाने में बहुत फ़ायदे हैं, दूसरी वो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वेट अ सेकेंड, व्हाट द हेक इज़ दिस? ये क्या है? लिली पैड वैक्स, ओह माय गॉड, ये तो देखा ही नहीं था हमने, ये किस काम आता है? सब में लगाए थोड़ा थोड़ा, ले लेते हैं हम। कम ऑन, गिव मी दैट। ये शायद कुछ तो टॉर्चेस बनाने या शायद कुछ काम आएगा हमारा आगे जाके। एल्गी, और सुबह सुबह का जितना भी कार्यक्रम रहता है ना, उठ के यहीं पर ही हो जाता है हमारा, पर वो मैं दिखाऊंगा नहीं कहाँ जाता हूँ मैं। ठीक है, नॉट हियर, पेबल फाउंडेशंस, यस, कंस्ट्रक्ट हुआ क्या? अच्छा, ऐसे करना है। ठीक है, तो मैं अपना घर का डायरेक्शन जो है वो फेसिंग दिस वे रखने वाला हूँ, मतलब पेड़ की तरफ, जो ऑक ट्री है उसकी तरफ रखूँगा, इस तरफ नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। राइट अबाउट हियर को मुझे देखने दो, इसका डायरेक्शन सही है ना? हाँ, डायरेक्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा पीछे करते हैं यहाँ पर, नाइस। पूरे घर में मैं पेबल का फाउंडेशन ही लगाने वाला हूँ। तो अभी हम कितना बड़ा बनाएं? ये 3x3 का है, रुक जाओ, यहाँ से हमारा एंट्रेंस होगा अंदर आने का। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, हम इसको 4x3 कर देते हैं। नाइस, अब बस मुझे ऐड करना है इसमें इंग्रेडिएंट्स और बिल्ड करते जाओ। ठीक है, एक फाउंडेशन ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया, ये ऐसा दिखता है फाउंडेशन। तो मुझे ये पूरा ढूंढना है, हमको स्टोन्स भी लेने पड़ेंगे, थोड़े से स्टोन्स अगर आपको चाहिए काफ़ी सारे तो आप इनको तोड़ सकते हो, जो बड़े पेबल हैं इनसे पेबलेट निकलते हैं। ये रियल लाइफ में पेबल है, तो हम पेबल को भी तोड़ के पेबलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा साइज़ देख रहे हो ना आप कितना बड़ा है। यस, सो ये एक्चुअल में पेबल्स हैं, इसको हम और छोटा कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक बोल्डर है बड़ा सा, और आज हमारी काफ़ी एनर्जी खर्च होने वाली है। नाइस, तो इसके लिए अराउंड मुझे कितने लगेंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, तो मुझे 27 लगेंगे, राइट, या 21 टोटल क्ले मिला के। ओ ये रख ले, देखो यहाँ पर भी क्ले है थोड़ा सा। डूड, मेरी एनर्जी कम हो गई है। मुझे पानी पीना पड़ेगा, पानी कहाँ है? यहाँ पर लटक रही थी दो बूंदे। What the heck, dude? एक तो यहाँ पर ये बीटल्स घूमते रहते हैं, बीटल्स नहीं,
मेरे पास, हम वो एंट केव में गए थे, वहाँ से मुझे बिट्स मिले हैं एप्पल के, वो खाता हूँ मैं। ये रहे, नाइस। इससे थोड़ी सी एनर्जी गेन होगी। एक और हो गया। तो ये हमारा आइकॉन शवल बहुत काम आ रहा है। पहले पता है क्या था, जब मैंने इस वर्जन को खेला था सबसे पहले, तब इसमें वेपन ड्यूरेबिलिटी, टूल ड्यूरेबिलिटी बहुत लो रहती थी। तो आप मतलब 10 यूज़ में ही आपका जो ये टूल्स हैं ये सब उड़ जाते थे। मुझे ग्रेनाइट तोड़ना है ना, तो उसके लिए मुझे हमारा जो टूल है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। नाइस। चलो फिर मैं ये पूरा कंप्लीट करके मिलता हूँ आपसे, ठीक है? अभी इतना हो गया है, देखो मस्त लग रहा है हमारा फाउंडेशन। नाइस, ये पूरा हो जाएगा फिर हम वॉल्स बनाना शुरू करेंगे। ओके, थोड़ा सा हमको ग्राइंड करना पड़ेगा, पानी में और जाना पड़ेगा मुझे देखने के लिए कि कहाँ कहाँ पर और क्ले मिल सकता है मुझे। ऑलरेडी, सो वी कलेक्टेड इनफ मटेरियल और हमारा लास्ट प्लेटफॉर्म बचा हुआ है फाउंडेशन का, एंड इट्स डन। ये हमने 3x3, 3x4 का पेबल फाउंडेशन बनाया। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हमारी वॉल्स, जिसके लिए हमें ढेर सारी ग्रास लगने वाली है, ठीक है? सो ग्रास वॉल्स मैं बनाने वाला हूँ कंस्ट्रक्ट, जो कि हम यहाँ से कमांड डूड, 1, 2, 3, 4, 5, इधर विंडो रखेंगे हम, इसको यहाँ लगाओ, यहाँ पर भी विंडो रहेगी, एंड अभी मैं 2 की स्पेस छोड़ रहा हूँ बीच में, ठीक है? 2 की स्पेस छोड़ेंगे, लास्ट में मैं लगाऊंगा इसको। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर लगाने हैं ग्रास प्लैंक, ग्रास ब्लॉक्स काटो, ग्रास ब्लॉक्स नहीं, ग्रास। ओ, सो ये हर वॉल के लिए एक लगता है, तो यहाँ पर मुझे फुर्ती दिखानी पड़ेगी। मैंने बताया एम्फिट के ये बूट्स भी पहन लिए, और ये फायदा क्या देते हैं कि इससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, स्पीड, आपकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, बस आपके नी पैड्स जो हैं वो फिर चले जाते हैं। इसमें एक चीज़ है कि आपका बॉडी में या तो बूट्स पहन लो या नी शिन पैड्स पहन लो, नी पैड्स, ठीक है? इसमें हमारा हेलमेट है, चेस्ट प्लेट है और स्लीपर्स हैं। अच्छा, 4 लगेंगे, एक वॉल में 4 लगेंगे। ऑलराइडी, अब 2 ये बॉम्बर बीटल हैं मेरे घर के पास में, जिनका मुझे ध्यान रखना है बस। मेरे को बस ये देखना है कि मैं कितने ले जा सकता हूँ एक बार में, शायद से हम 5 ले जा सकते हैं। कम ऑन, पिक इट अप, पिक इट अप। हाँ, 5 ले जा सकते हैं एक बार में। इसमें लगाओ, नॉइस। इसलिए ये जगह बेस बनाने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस तरफ एक बड़ी सी वॉल है तो पीछे से आपके कोई नहीं आ सकता, और आगे आपका पूरा पानी रहता है, पानी में आपको क्ले मिल जाएगा, एंड दूसरे बग्स भी है जो यहाँ घूमते रहते हैं यहाँ। उई 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 उई, ये क्या मुआयना लेने आया है मेरे घर का? इसने अगर तोड़ा ना, मैं ऐसे तोड़ डालूंगा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? आना मत प्लीज़, बड़ी मुश्किल से एक तो हम ग्राइंड करके बना रहे हैं, फुसकी छोड़ता है ये भी। चलो, रात होने से पहले हमको ये कंप्लीट करना है। ओके, फास्ट फास्ट काम पे लग जाओ आप, इट्स टाइम टू वर्क। ये हो गया, हमारे वॉल्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब मुझे लगानी है इसमें विंडो, ठीक है? एक पीछे में मुझे लगानी चाहिए थी। ओके, ग्रास टॉल विंडो कंस्ट्रक्ट,
सो वन इस मैंने उल्टी बॉल्स लगा दी है क्या? आई थिंक मैंने उल्टी बॉल्स लगा दिया। गॉड डैम इट। हो गया, अभी पता चल जाएगा कि हमने उल्टी लगाई है कि सीधी लगाई है। अब इसके लिए मुझे वुड स्टेम चाहिए, तो वुड स्टेम कहाँ मिलेगा मुझे? ये डैंडीलाइन है क्या वुड स्टेम? आई थिंक ये होना चाहिए। गॉड शिट, इसको मैं दूर से घुमा के लेकर आऊंगा ताकि ये मेरे घर पे ना आए। गधा, डंग बीटल, इसको यहाँ ड्रॉप करो और दौड़ के पानी में कूद जाओ। येट, वो भी मुझे पानी में फॉलो नहीं कर पाएगा। डूफस, उसकी मार रहा है वहां पर। बच गया मैं। वो दैट वाज क्लोज। ये देखो, फुसकी बॉम्ब छोड़ के चले गए ये। मुझे थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, पानी नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। और ये जो है, ये फुसकी मार के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं जहाँ से आए थे। ओके, वुड स्टैम्प मिले थे मुझे दो, ये रहे। सो ये विंडो पे लगेंगे, एक लग गया, ये फ्रेम में लगते हैं इसके। वो नाइस, चलो मैंने विंडो तो सीधी लगाई है। एक्चुअली मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ क्या? नाइस, गुड जॉब। हमारा एक इंक्लूज सराउंडिंग बन गया। मेरे पास सीलिंग नहीं है अभी, हमने सीलिंग शायद ओपन नहीं करी है, तो हमें सीलिंग के लिए रॉ पॉइंट्स खर्चा करना पड़ेंगे। क्या बनाए हम? रोस्टिंग स्पिट बना सकते हैं। यहाँ पर हम एफिड और खाना पका सकते हैं हमारे रोस्टिंग स्पिट में। इसके लिए मुझे ड्राई ग्रास चंक चाहिए। ड्राई ग्रास चंक ये जो दिख रहा है ना, ये सामने, यही है। इसको काटो और इससे आपको ड्राई ग्रास मिलेगी। मुझे पानी चाहिए। नाइस। सो हम बनाते हैं रोस्टिंग पिट एक। इसको मैं अंदर ही लगाता हूँ। हाँ, सारा सामान हम अंदर ही ले जाते हैं ना। हमारा छोटा सा रोस्टिंग पिट यहाँ लगाओ। नाइस, इसमें हम ये रोस्ट कर सकते हैं। देखो, एफिड, दो एफिड। और ये हमारी किससे जुड़ा हुआ है? इन्वेंट्री से जुड़ा है या फिर? हाँ, ये शायद इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ है हमारी, मुझे लगा। अभी देखो, यहाँ पर पक रहे हैं पपलू। दो एफिड और इसको पका के हम खा सकते हैं, इजी पीजी। व्हाट एल्स आई कैन, ये क्या है? अ स्मॉल पैच ऑफ डर्ट दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो वेरियस थिंग्स। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उपसी, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, सेकेंड डे आ गया हमारा एंड हमने वुड स्टेम कलेक्ट कर लिए, जो जो हमको बनाने थे वो प्लॉट के लिए, जो भी वो क्रॉप प्लॉट जैसा है, गार्डन पैच। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इस गार्डन पैच को हम कहाँ लगाएं? इतना बॉबल क्यों हो रहा है ये ड्यूड? इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, हमारे जस्ट घर के पास में, लाइक दिस। अब इसमें ऐड करते जाओ। हमारे पास रोप्स है, वीड में लेकर आ गया था रात को फार्म करके। वीड स्टेम, ये डैंडीलायन जो है, ये वाले, इनसे मिलता है। अब ये क्या देगा हमको वो देखना पड़ेगा मुझे। स्पॉइल्ड मीट है, ग्रास, नाइस। चलो, आखिरकार सनलाइट आ गई। गुड नाइट, गुड जॉब। और इसमें ऐड करो, मुझे फाइबर बनाने, रोप्स। नाइस, अब इसमें कैसे यूज़ करते हैं इसको? ओके, ऐड टू गार्डन। वो डैंडेलाइन में डाल सकता हूँ क्या? ग्रोज 15 आवर्स, ग्रीन थंब चांस, ऑप्टिमल ऑप्शनल फर्टिलाइजर टू मॉडिफाई ग्रोथ। ओके, चलो डैंडलाइन ही ग्रो कर लेते हैं हम।
बाकी ये क्या है, स्पॉइल्ड मीट ग्रुप? स्पॉइल्ड मीट से क्या होता है शायद? ओह ये वो है, फर्टिलाइज़र। नाइस प्लांट। ओके 11 मिनट्स बाद हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। नाइस ये तो, ये मैंने लास्ट टाइम नहीं करा था, ये शायद अभी अभी ऐड हुआ है इनका। हम इसको रिलोक्वीट भी कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा छोटा सा गार्डन पैच, इसमें 4 क्लोवर लग रहे हैं, क्या बात है। नाइस हमारा गार्डन पॉट बन गया है, गुड जॉब। और यहाँ पर मैंने अभी सीलिंग ऐड नहीं करी है, और मैंने डबल डोर के लिए छोड़ के रखा हुआ है कि हमें इसका डोर कैसे लगाना है। ठीक है, एक विंडो यहाँ पर दी है हमने, एक यहाँ पर, एक पीछे भी मुझे देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं हम इसको बाद में कर लेंगे। ओके रोस्टिंग पिट हमने लगा दिया है। स्मूदी स्टेशन क्या है? मिक्सेस एंड ब्लेंड्स थिंग्स इनटू ड्रिंकेबल सब्सटेंसेस दैट रिस्टोर हेल्थ एंड प्रोवाइड्स वेरियस साइड इफेक्ट। व्हाट द हेक, वाटर कंटेनर भी बनाना है मुझे। इकॉन्शेल क्रूड रूप, अरे हाँ स्पिनिंग व्हील, इससे बनता है थ्रेड, सिल्क निकलता है इससे। वर्क बेंच है, सैप कैचर, इंटरेस्टिंग। अटैच टू दिस सैप टू प्रोड्यूसिंग रूट्स एंड ब्रांच फॉर मोर कन्वीनियंट हार्वेस्टिंग, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये मुझे लगाना पड़ेगा। वीट्स टे मेरे पास 2 रखे हुए हैं, तो आई कैन डू दिस राइट नाउ। ठीक है, नाइस क्राफ्ट हो गया क्या? मिसिंग इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो क्या मैं इसे सीधे वहाँ तक लेके जाऊँ? ऐसा ब्लूप्रिंट लेके? वाओ शिट होली, ये गधा कहाँ से आया? रे इसको अनलोड करो, कौवा आया हमारी टेरिटरी में। इसको स्कैन नहीं कर सकता मैं, शिट। व्हाट वाज दैट, किसी ने हमला करा क्या हमारी बेस पे? ऐसी आवाज़ आई मुझे, नहीं ये कौवा फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। सो दिस इज़ अ बेटर लोकेशन, ये एक ठीक लोकेशन है जहाँ पर मैं वो अटैच कर सकता हूँ। पर हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, होप यहाँ पर मकड़ियाँ ना आए। यहाँ लगा सकता हूँ मैं इसको, इस पे राइट। सो कहाँ गया हमारा सैप? ये रहा, रॉन्ग एंगल, कैसे लगाएंगे फिर इसको हम? हैव द फज, यहाँ लगाना पड़ेगा क्या? ओके नाइस, ऐसे लगा सकते हैं हम। डूड नाइस, अब इसमें सब कुछ नहीं ऐड करते जाओ। ओह माय गॉड, बदमाश मकड़ी, एट लास्ट दैट वाज क्लोज। ओके हमने ये पॉट लगा दिया है, अब सिर्फ 2 स्टेम लेकर आने हैं। एक्चुअली मैं, हमें यहीं पर मिल जाएंगे ना स्टेम? डैंडलाइन है क्या यहाँ पर? वो रहा एक डैंडलाइन उधर, उसको चॉप चॉप करते हैं। और पता है देखो, एक ये डैंडलाइन है, एक वो ट्री दिख रहा है आपको ये वाला, इससे भी हो जाता है, इससे भी आपको वीट स्टेम भी मिलता है जो कि पानी में लगा हुआ है। चलो इसके पास चलते हैं, इसको काटते हैं, ट्राई करते हैं। यस दिस वन, अरे रे इसके लिए पर हायर टूल चाहिए मुझे, सैड लाइफ। कोई बात नहीं, हम फिर डैंडलाइन से काम चलाएंगे। ये क्लोवर लीव्स मस्त है इधर से उधर जाने के लिए। जरा पपलू एफिड फंस गया इसमें। इसको चॉप करो, निकलो यहां से। ये आ गया, हम इसको बना देते हैं। ठीक है ये नाइस। अब ये जो हमारा स्नैचर है, इसमें डेली बेसिस पे आपको 5 मिलेंगे,
कलेक्ट होते जाएंगे, पाँच 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 पाँच। तो इसमें से आप सैप कलेक्ट कर सकते हो, क्वार्ट्ज। चलो हमने वो लगा दिया, अब हमारे घर की तरफ चलते हैं हम सीधे। हम आ गए हमारी बेस पे वापस, और देखो हमें क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर। हम ये लगाने वाले हैं हमारा पेबल पाथ, और शायद ये कहाँ लगता है, ये फ्लैट सरफेस पे लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। शायद ये मैंने बेस फाउंडेशन लगा के रखा है इसके पास में, इसलिए। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं वापस यहाँ पर एक और वॉल लगा देते हैं, और तो चलो यहाँ पर वॉल लगा देते हैं हम, और इस बार हम इसको आउटवर्ड लगाएंगे, बाहर की साइड देखेगी ये, ठीक है। ओह, हमारे डैंडेलाइन बड़े हो गए, नाइस। इनको यूज़ करूँ मैं अनटिल हार्वेस्ट, 3 मिनट और है, अभी नहीं कर सकते, 3 मिनट और है इसको हार्वेस्ट करने के लिए। नाइस नाइस नाइस, जब तक हम थोड़े से ग्रास चॉप कर लेते हैं। नाइस, यहाँ पर हमारा डोर रहेगा, क्राफ्ट वुडन डोर दिस। एक स्टेम चाहिए लास्ट जो बचा था इसमें। नाइस, और ये बन गया हमारा घर, गुड जॉब। मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे एक और फाउंडेशन लगानी चाहिए नीचे, कि मुझे यहाँ पर अटक जाता है ऐसा। सो पेबल फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट राइट हियर। दो क्ले और चाहिए, डू आई हैव एनी क्ले, यस। वाओ, हो गया हमारा फाउंडेशन, हो गया नाइस। ये हमारा बिना सीलिंग का घर है छोटा सा, एंड मैं अपना इसको रिलोकेट कर लेता हूँ, इसको एफ वहाँ से उठा के आप यहाँ रख सकते हो इसको अंदर। इसको कहाँ रखूँ मैं, यहीं रखता हूँ, प्लीज़। नाइस, इधर रिस्पॉन पॉइंट सेव करो। अच्छा, हमारा सेव्ड है, ओके। एंड सेम, इसको उठाओ हमारे क्राफ्टिंग टेबल को, वर्क बेंच को, इसको हम यहाँ पर कोने पे लगाते हैं। नाइस, हमारी वर्क स्टेशन लग गया है, और क्या है, स्टोरेज को रिलोकेट कर सकते हैं, इसको भी रिलोकेट कर सकते हैं स्टोरेज को। स्टोरेज को भी मैं एक यहाँ रख देता हूँ, दोनों स्टोरेज को पास पास में रखूँगा हमारे वर्क बेंच के, क्योंकि हमें आसानी हो सामान निकालने की, ठीक है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, नाइस। ओके, लैम्प प्लांट देखें कितनी रोशनी देता है ये। इसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ, ऐसे यहाँ सही रहेगा डोर के सामने, या फिर बाहर भी लगा सकते हैं। नहीं, हमें घर के अंदर रोशनी चाहिए, तो हम इसको यहाँ लगाता हूँ मैं डोर के पास में, या फिर यहाँ लगाते हैं ना बीच में विंडो के, देखते हैं कितना उजाला देता है। सैप है मेरे पास, कहाँ गया, नाइस वन, ये तो काफ़ी उजाला दे देता है। इसको फिर मुझे सेंटर में लगाना चाहिए। देखते हैं कहाँ लगाते हैं हम इसको, अगर मैं इसको यहाँ कोने में लगाऊँ तो। शीश, नाइस कूल। चलो, दो लाइट हमारी आ गई है, हमारा बेड आ गया है, रिस्पॉन पॉइंट, हमारा वर्क स्टेशन, स्टोरेज एरिया, लाइटिंग, और यहाँ पर हम एफिड को कुक करते हैं, और ये सुबह तक पक जाएंगे, मस्त। नाइस, नाउ वी कैन स्लीप। सो हमने हमारी बेस, परमानेंट बेस का काम हमने शुरू कर दिया है, धीरे धीरे हम इसको अपग्रेड करते जाएंगे। अभी तो हमारे ग्रास का है, फिर इसको स्टेम में, फिर स्टोन, अगर स्टोन है इसमें तो। और मुझे सीलिंग भी बनानी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा क्वेस्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे बर्गल के, जिससे हमें पॉइंट्स मिले, रॉ साइंस पॉइंट्स, और उससे हम मोर अपग्रेड खरीद सकें, ठीक है। तो इस एपिसोड में इतना ही, कमेंट सेक्शन में बताना कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं, और आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा अर्ली बेस। ओके, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय देन, सी यू।